क्लास 12 का पहला चैप्टर। तो हम जाना पहले जाएंगे मैटर्स क्या होते हैं। मैटर्स तो सबको पता है कितने तरह के होते हैं, क्या क्या होते हैं। मैटर्स तीन तरह के होते हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस। तो इसमें पहला क्या होता है, सॉलिड, दूसरा लिक्विड और तीसरा है गैस। गैस को आपने क्लास 11 केमिस्ट्री में पढ़ लिया होगा, लिक्विड को आप 12th में फिजिक्स के पार्ट में पढ़ेंगे और सॉलिड्स को हम जा रहे हैं आज पढ़ने, आज हम एक्सप्लोर करेंगे। ये चैप्टर जो है टोटली आपके इमेजिनेशन पावर पे डिपेंड करता है, जितनी स्ट्रांग आपकी इमेजिनेशन पावर होगी उतना स्ट्रांग आपका चैप्टर हो जाएगा। अब ये चैप्टर केमिस्ट्री के बिहाफ पे बहुत इजी माना जाता है, तो हम पहले देखेंगे सॉलिड्स के डेफिनेशन क्या होता है। सॉलिड, स्टेट ऑफ मैटर हूज कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर बॉन्डेड बाय स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और क्लोजली पैक्ड। यानी स्टेट ऑफ मैटर हुज कॉन्स्टेंट पार्टिकल्स आर बॉन्डेड बाय स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और क्लोजली पैक्ड। इसका क्या मतलब हुआ, यानी वो सॉलिड जिस पार्टिकल से मिलके बना है, उसके कॉन्स्टेंट पार्टिकल्स से जिससे मिलके वो बना है, वो एक स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से अपने पार्टिकल्स को एक साथ बॉन्ड करके रखते हैं, पास पास रहते हैं, क्लोजली पैक्ड होते हैं, इसीलिए हम उसको सॉलिड्स को बोलते हैं क्लोजली पैक्ड मैटर। अगला, प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड। सॉलिड्स की क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं, सॉलिड की पहली प्रॉपर्टी क्या होती है, उसका शेप, साइज और वॉल्यूम तीनों क्या होता है, फिक्स होता है, रिजिड होता है। शेप, साइज एंड वॉल्यूम आर फिक्स्ड, शेप, साइज और वॉल्यूम फिक्स्ड होता है। दूसरा, इसकी दूसरी प्रॉपर्टी क्या होती है, फ्लेक्सिबिलिटी। फ्लेक्सिबिलिटी इसकी क्या होती है, लो होती है। किसी भी आप सॉलिड को लेंगे तो उसकी फ्लेक्सिबिलिटी क्या होगी, लो होगी। दूसरी, तीसरी प्रॉपर्टी क्या होगी, कंप्रेसिबिलिटी। इसकी कंप्रेसिबिलिटी क्या होती है, लो होती है। हम किसी भी सॉलिड्स को ले लें, क्या हम उसे कंप्रेस कर पाएंगे, नहीं, और कर भी पाएंगे तो बहुत कम मात्रा में, जो कि इनफाइनिटली नेग्लिजिबल होगा। अब हम जानेंगे इसकी कंडक्टेंस। क्या ये जो सॉलिड्स होते हैं वो हीट को कंडक्ट करते हैं, ऑब्वियसली करते हैं। क्या इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं, हाँ करते हैं। यानी इन सॉलिड्स में क्या कौन कौन से फैक्टर पाए जाते हैं, कंडक्टिविटी वाले फैक्टर्स पाए जाते हैं। हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। पांचवा पॉइंट क्या होगा, पांचवा पॉइंट, हमने इसके शेप, साइज और वॉल्यूम के बारे में बात कर लिया, इसके फ्लेक्सिबिलिटी के बारे में बात कर लिया, कंप्रेसिबिलिटी के बारे में बात कर लिया, कंडक्टर होता है कि नहीं होता है, कि होता भी है तो किस चीज का होता है, उसके बारे में हमने बात कर लिया। अब हम बात करेंगे इसकी मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट के बारे में। तो इसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट कैसा होता है, हाई होता है। किसी भी सॉलिड को ले लीजिए, उसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, हाई होगा। तो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट आर
हाई। अब इसके बाद हम बात करेंगे कि सॉलिड्स कितने टाइप के होते हैं और कितने तरह के मतलब होते हैं, उसकी प्रॉपर्टीज क्या होती है, किस तरह के पाए जाते हैं। तो हमें पता है कि सॉलिड्स दो तरह के होते हैं, एक होता है क्रिस्टलाइन सॉलिड और एक होता है एमॉर्फस सॉलिड। तो इसके बारे में हम आगे बात करेंगे, पहले आप इसको नोट कर लीजिए। तो हम पढ़ने जा रहे हैं टाइप्स ऑफ सॉलिड। टाइप्स ऑफ सॉलिड्स, हमें पता है सॉलिड दो तरह के होते हैं, कौन से? एक होता है क्रिस्टलाइन सॉलिड, क्रिस्टलाइन सॉलिड, और दूसरा क्या होता है? एमॉर्फस सॉलिड, एमॉर्फस सॉलिड। क्रिस्टलाइन सॉलिड को ट्रू सॉलिड कहते हैं और एमॉर्फस सॉलिड को सूडो सॉलिड। ऐसा क्यों होता है, अब हम इसकी प्रॉपर्टी डिस्कस करेंगे तो उसमें पढ़ेंगे। चलिए तो हम इसकी प्रॉपर्टी डिस्कस करते हैं, मैं यहीं पे बताता हूं आपको। क्रिस्टलाइन सॉलिड, सबसे पहले इसकी अरेंजमेंट की बात करते हैं कि इसके जो कॉन्स्टिट्यूंट पार्टिकल्स होते हैं इन दोनों के कैसे रखे जाते हैं, क्यों होते हैं, और इनके कॉन्स्टिट्यूंट पार्टिकल्स की वजह से इनके प्रॉपर्टीज पे क्या असर पड़ता है। सबसे पहला रेगुलर अरेंजमेंट फॉर लॉन्ग रेंज, इसका क्या मतलब हुआ कि रेगुलर अरेंजमेंट तो है और लॉन्ग रेंज का मतलब क्या हुआ? तो हम जानते हैं लॉन्ग रेंज का मतलब क्या होता है, उससे कैसे समझा जाए। अब जरा देखिए इसके जो पार्टिकल्स है, सर्कल ट्राइंगल सर्कल ट्राइंगल सर्कल ट्राइंगल सर्कल ट्राइंगल, ये जो ऑर्डर हमें मिल रहा है लॉन्ग रेंज के लिए मिल रहा है ना, यहां पे भी देखिए मिल रहा है ना। लेकिन यही अगर हम एमॉर्फस सॉलिड की बात करें तो इसमें क्या होता है, रेगुलर अरेंजमेंट फॉर शॉर्ट रेंज, इसका क्या मतलब हुआ? रेगुलर अरेंजमेंट तो हमें समझ में आ रहा है, लेकिन शॉर्ट रेंज का क्या मतलब है? अब देखिए, जैसे यहां पे था कि हमें एक लाइन से लॉन्ग रेंज के लिए ऑर्डर मिलता जा रहा था, लेकिन एमॉर्फस सॉलिड में क्या होगा? अब जरा देखिए, सर्कल ट्रायंगल सर्कल ट्रायंगल सर्कल सर्कल सर्कल, अभी क्या हुआ, कुछ ही दूर तक ही फॉल हुआ ना, कुछ ही दूर तक, इसीलिए इसको शॉर्ट रेंज कहा जाता है। इस पूरे सॉलिड में देखिए, सर्कल ट्रायंगल सर्कल ट्रायंगल, अब देखिए सर्कल सर्कल सर्कल, अब देखिए यहाँ पे ट्रायंगल 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 सर्कल ट्रायंगल सर्कल ट्रायंगल, यानी जो हमें जो ऑर्डर मिलेगा बहुत ही शॉर्ट टाइम पीरियडली पैटर्न के लिए मिलेगा, ये पैटर्न हमें बहुत ही शॉर्ट टाइम के लिए मिलेगा। दूसरी प्रॉपर्टी क्या होती है, ये दूसरी प्रॉपर्टी जो होती है, इसमें हम बात करते हैं एनेंसियोट्रॉपिक और आइसोट्रॉपिक। एनआइसोट्रॉपिक क्या होते हैं और आइसोट्रॉपिक्स क्या होते हैं? एनेंसियोट्रॉपिक,
और आइसोट्रॉपिक, इन दोनों का मतलब क्या होता है? एनिसोट्रॉपिक यानी अगर देखा जाए तो इनकी जो फिजिकल प्रॉपर्टीज होगी जैसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक, बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, अगर हम किसी एक डायरेक्शन में जाएंगे तो वो हमें सेम मिलेगी, लेकिन अगर हम डायरेक्शन अपना चेंज करते हैं तो प्रॉपर्टी भी चेंज हो जाएगी। जैसे अगर आप ये देखिए, अगर हम ऐसे जाते हैं तो हमें क्या मिलेगा? सर्कल, ट्रायंगल, ट्रायंगल। लेकिन अगर ऐसे ठीक बगल वाली लाइन पे जाते हैं तो क्या मिलेगा? ट्रायंगल, सर्कल, ट्रायंगल। अब ठीक इसकी बगल वाली में जाते हैं तो क्या मिलेगा हमें? देखिए, सर्कल, 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 तीन डायरेक्शन, तीन प्रॉपर्टीज। अब ये देखिए, यहां से जाएंगे तो सर्कल, ट्रायंगल, सर्कल, ट्रायंगल, सर्कल, ट्रायंगल, चार डायरेक्शन, चार प्रॉपर्टीज। इसका क्या मतलब हो गया? फिजिकल प्रॉपर्टीज आर डिफरेंट इन डिफरेंट डायरेक्शन। यानी क्या हो गया? इसकी जो फिजिकल प्रॉपर्टीज होती है हर डायरेक्शन में अलग अलग होती है। यानी अगर इस डायरेक्शन जाएंगे तो उसका रिफ्रेक्टिव इंडेक्स कुछ और मिलेगा, इस डायरेक्शन से जाएंगे इसका रिफ्रेक्टिव इंडेक्स कुछ और मिलेगा, इस डायरेक्शन जाएंगे इसका रिफ्रेक्टिव इंडेक्स कुछ और मिलेगा। यानी अलग अलग डायरेक्शन में अलग अलग टाइप के प्रॉपर्टीज के रिफ्रेक्टिव इंडेक्स हमें मिलेंगे। आइसोट्रॉपिक्स क्या होता है? आइसोट्रॉपिक्स वो होता है ना कि अगर हम किसी भी डायरेक्शन में जाएं हमें उसकी प्रॉपर्टीज क्या मिलेगी? सेम मिलेगी। सेम प्रॉपर्टीज फॉर डिफरेंट डायरेक्शन और सेम डायरेक्शन। जैसे देखिए, यहां से जा रहे हैं सर्कल ट्रायंगल, कोई पैटर्न नहीं मिल रहा है, बस हमें मिल रहा है कि मतलब हमें ऐसे जाना है। ऐसे जा रहे हैं सर्कल ट्रायंगल, मिल रहा है क्या? कोई हमें कोई पैटर्न नहीं मिल रहा है, तो इसलिए आइसोट्रॉपिक होगा। यानी क्या होगा? सेम फिजिकल प्रॉपर्टीज फॉर सेम डायरेक्शन। अभी आप इसको नोट कर लीजिए, अगली प्रॉपर्टीज हम डिस्कस करेंगे। ये पहली प्रॉपर्टी थी और ये दूसरी प्रॉपर्टी, इसको आप नोट कर लीजिए। तीसरी प्रॉपर्टी, पहली प्रॉपर्टी हमने पढ़ ली रेगुलर अरेंजमेंट फॉर लॉन्ग रेंज, और दूसरी प्रॉपर्टी क्या है? एनिसोट्रॉपिक और आइसोट्रॉपिक। हमने सब समझ लिया है। अब तीसरी प्रॉपर्टी क्या है? अब हमने आपको कुछ दिन पहले बोला था कि क्रिस्टलाइन सॉलिड ट्रू सॉलिड होता है, एमोर्फस सॉलिड स्यूडो सॉलिड होता है, ऐसा क्यों? हम देखते हैं, इसको हम ट्रू सॉलिड बोलते हैं। और इसको हम स्यूडो सॉलिड बोलते हैं, ऐसा क्यों? जैसे अब हमने सॉलिड्स को दो टाइप में डिवाइड कर दिया है, अब इसका एग्जांपल ले लीजिए, एमॉर्फस सॉलिड का ग्लास। स्यूडो सॉलिड क्यों कहते हैं ग्लास को? ग्लास को एक्चुअली कहा जाता है सुपर कूल्ड लिक्विड। ग्लास क्या है? एक सुपर कूल्ड लिक्विड है। तो अगर कोई भी लिक्विड है तो उसके पास टेंडेंसी क्या होगी? फ्लो करने की। कोई भी लिक्विड है वो फ्लो जरूर करेगा, भले ही बहुत धीम स्पीड से करे लेकिन फ्लो करेगा। इसी तरह ग्लास का क्या होता है? स्यूडो सॉलिड के एग्जांपल्स ले लीजिए, ग्लास क्या होता है? सुपर कूल्ड, लिक्विड। यानी इसके पास टेंडेंसी है फ्लो करने की। अगर आप किसी घर में 5-6 साल से लगातार रह रहे हैं तो आप जरा उसमें नोटिस करिएगा, जो ग्लास लगी है वो नीचे से थिक हो गई होगी, यानी ऊपर से तरफ से पतली होगी और नीचे की तरफ से उसकी बॉटम थिक हो गई होगी, मोटी हो गई होगी। क्यों हो गई होगी? क्योंकि सुपर कूल्ड लिक्विड होता है तो उसके पास टेंडेंसी होती है फ्लो करने की। अगला पॉइंट बहुत ही सिंपल है, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। अब मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है इसका? इसी तरह इसमें भी मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। अब जो क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं उसकी जो मेल्टिंग पॉइंट होती है ना,
वो शार्प होती है। शार्प इन सेंस मतलब क्या हो गया कि अगर एक पर्टिकुलर टाइम ऑफ टेम्परेचर पे पहुंच के या तो वो बॉइल होने लगेगी या मेल्ट हो जाएगी। जैसे मान लीजिए अगर हम बोलते हैं 130 डिग्री सेल्सियस पे, 130 डिग्री सेल्सियस पे एक हमारे पास लिक्विड है जो मेल्ट होता है, तो इसका मतलब ये कि 130 डिग्री सेल्सियस पे वो सब मेल्ट हो जाएगा, कुछ बचेगा नहीं। लेकिन अगर हम अमॉर्फस सॉलिड की बात करते हैं तो उसमें क्या होगा कि 130 डिग्री सेल्सियस पे अगर उसको मेल्ट होना है तो 130 डिग्री सेल्सियस पे पूरा मेल्ट नहीं होगा, उसका कुछ पार्ट होगा जो मेल्ट होगा, कुछ 140 पे होगा, कुछ 150 पे होगा, यानी एक रेंज होगा टेम्परेचर का जिसमें पूरी तरह से मेल्ट होगा या पूरी तरह से बॉइलिंग होगा। ठीक, तो इसमें क्या आता है, इसमें शार्प होता है, शार्प एट शार्प टेम्परेचर, यानी एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे ही शार्प टेम्परेचर पे क्या होगा, मेल्ट हो जाएगा या बॉइल होगा। इसका क्या होगा, ओवर अ रेंज ऑफ टेम्परेचर, यानी एक किसी टेम्परेचर की रेंज में, जैसे 130 से 160 इस टेम्परेचर की रेंज में ही ये मेल्ट होगा या बॉइल होगा। अब इसके एग्जांपल्स देख लेते हैं। एक और प्रॉपर्टी देख लेते हैं। अब यहां पे आप देखिए यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म पार्टिकल्स। अब देखिए यहां पे क्या यूनिफॉर्म है, क्या इक्वल डिस्टेंस में है, ये जो डिस्टेंस है ये क्या है मेंटेन्ड है, हर एक लाइन पे मेंटेन्ड है ना, ये मेंटेन है। लेकिन यहां पे मेंटेन नहीं है, देखिए यहां पे मेंटेन नहीं है, कहीं भी पार्ट कोई भी पार्टिकल कहीं भी लाई कर रहा है, तो ये क्या होगा एक तरह से नॉन यूनिफॉर्म होगा। और ये क्या होगा यूनिफॉर्म, अब एग्जांपल देख लेते हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड के एग्जांपल, एग्जांपल देख लीजिए NaCl, नमक, शुगर, NaCl, शुगर, और इसके एग्जांपल्स देख लीजिए रबर और एसेक्ट्रा। अब आप इसको नोट कर लीजिए, अब अगले का लेक्चर हम अब बताते हैं इसके बाद, इसको आप नोट कर लीजिए पहले। प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स पढ़ लिए हैं, उसे और आपने पढ़ना हुआ आप उसे देख के पढ़ के समझ लीजिएगा। अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ सॉलिड, टाइप्स ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड, क्योंकि इस चैप्टर में हमें मोस्टली पढ़ना है क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के बारे में, तो हम पहले लिखते हैं टाइप्स ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड। तो हम यहां पर पढ़ना लिखेंगे टाइप्स ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड। अब क्रिस्टलाइन सॉलिड के कितने टाइप होते हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड के चार टाइप होते हैं, कौन कौन से, आयनिक सॉलिड, मेटालिक सॉलिड, कोवेलेंट सॉलिड और मॉलिक्यूलर सॉलिड। तो हम इस चार को पढ़ेंगे, पढ़ेंगे क्या हम यहां पे सीधे सीधे उनको डिफ्रेंशिएट करेंगे, उनके बारे में देखेंगे क्या क्या होता है। यहां पे हम लिखते हैं आयनिक, यहां पे हम उनकी प्रॉपर्टीज लिखेंगे, आयनिक सॉलिड, मेटालिक सॉलिड, कोवेलेंट सॉलिड और यहां पे आएगा मॉलिक्यूलर सॉलिड। चलिए, तो पहले हम देखते हैं कि इनके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स कौन कौन से हैं। आयनिक सॉलिड किस कौन से पार्टिकल से मिलकर बना है, मेटालिक किससे मिलकर बना है, कोवेलेंट किससे मिलकर बना है और मॉलिक्यूलर किससे मिलकर बना है। आयनिक सॉलिड है कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, तो
आयनिक है तो हमको समझ में आ रहा है कि आयन से मिलकर बना होगा, आयन्स में कौन कौन से आयन्स, सॉरी आयन्स होंगे, आयन्स में कौन कौन आयन होता है, एक दो आयन्स होते हैं, एक कैट आयन और एक एनायन, कैट आयन एनायन, ठीक। मेटालिक सॉलिड्स में क्या होगा, मेटालिक सॉलिड में मेटल्स होंगे, मेटल्स किस फॉर्म में होंगे, कर्नल्स और इलेक्ट्रॉन क्लाउड के फॉर्म में होंगे, कर्नल्स और इलेक्ट्रॉन क्लाउड के बारे में, अब कर्नल्स और इलेक्ट्रॉन्स के बारे में आपको बाद में बताते हैं, ठीक। कोवेलेंट सॉलिड में क्या होगा, नॉन मेटल्स होंगे, और मॉलिक्यूलर में मॉलिक्यूल्स होंगे, मॉलिक्यूल्स और कभी कभी एटम्स भी होते हैं, यानी उन मॉलिक्यूल्स के साथ ही एटम होंगे, कोई अलग से नहीं, मतलब साथ में ही, ठीक। अब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, अब ये बताइए आयन्स हो, दो आयन है, एक प्लस में है एक नेगेटिव में है, तो उनके बीच में कौन सा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम आएगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जो उनको एक साथ बॉन्डेड करेगा, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इसमें कौन सा होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक, इलेक्ट्रोस्टैटिक, और इसे हम केमिस्ट्री की भाषा में क्या बोलते हैं, आयनिक बॉन्ड, क्या बोलते हैं, आयनिक बॉन्ड। मेटल में क्या होगा, मेटेलिक बॉन्ड, कोवेलेंट सॉलिड में क्या होगा, नॉन मेटल्स में क्या होते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड होते हैं, और मॉलिक्यूलर सॉलिड में क्या होगा, वंडरवॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, कौन सा होगा, वंडरवॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, चलिए एक हो गया वंडरवॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अब देखते हैं इनके एग्जांपल्स, इसका एग्जांपल क्या होगा, NaCl, KCl, मेटालिक में क्या होगा, Fe2+, प्लस टू इलेक्ट्रॉन्स। अब यहां पे हमने कर्नल्स की और इलेक्ट्रॉन्स की बात की थी, कर्नल ये जो मेटल इलेक्ट्रॉन रिलीज कर रहे हैं, जैसे Fe2+ है, अब ये इसके पास में ना जो दो इलेक्ट्रॉन है ये वो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन क्लाउड बना के रहेंगे, ठीक। जरूरी नहीं है कि यहां पे क्या होगा, यहां पे एक ही एटम तो होगा नहीं, यहां पे कितने एटम होंगे, बहुत सारे एटम होंगे, Fe2+, 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 अब यहां पे हर जगह दो इलेक्ट्रॉन दो इलेक्ट्रॉन दो इलेक्ट्रॉन 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 इलेक्ट्रॉन, क्या होगा, क्लाउड बना के रखेगा इलेक्ट्रॉन सब, उसे क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रॉन क्लाउड, और ये क्या होगा, कर्नल। जब भी कोई मेटल इलेक्ट्रॉन क्लाउड से घिरा होता है तो उसे क्या बोलते हैं, कर्नल बोलते हैं। क्या एग्जांपल होगा, डायमंड, ग्रेफाइट, और मॉलिक्यूलर सॉलिड में क्या होगा, H2O, CO2 एसेट्रा, ठीक। इसको मैं थोड़ा सा सही से लिख दूं, चलिए अब हम इसकी दूसरी प्रॉपर्टी की बात करेंगे, क्या है, मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, चलिए देखते हैं। अब आयनिक सॉलिड है तो इसका मेल्टिंग पॉइंट ऑब्वियसली हाई होगा, ये सबको पता है। मेटालिक सॉलिड में इसका भी हाई होगा। कोवेलेंट सॉलिड, मेटेलिक सॉलिड से क्या, आयनिक सॉलिड से क्या होता है, आयनिक बॉन्ड से क्या होता है, वीक होता है, यहाँ पे जो कोवेलेंट बॉन्ड होता है वो आयनिक बॉन्ड से क्या होता है, वीकर होता है,
लेकिन इसकी जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होती है ना बहुत ज्यादा हाई होती है, वेरी हाई। क्यों? एग्जांपल देख लीजिए, डायमंड, इसकी बॉइलिंग पॉइंट क्या होगी? अभी तक की सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट इसकी है डायमंड की ही है, ठीक। यहां पे आप NaCl को देखिए, 700-800 डिग्री सेल्सियस पे क्या होता है, मेल्ट हो जाता है, ठीक। और 1200-1300 डिग्री पे क्या होता है, बॉइल हो जाता है। इसी तरह आयरन है, इसका भी होगा, वाटर का 100 डिग्री सेल्सियस होता है, इसका क्या होगा, लो होगा। मॉलिक्यूलर साइज को क्या होता है, लो होता है। क्यों? वंडरवॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का सबसे वीकर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है अमंग एनी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है। अगला इसका हम कंडक्टेंस देखेंगे। कंडक्टेंस कंडक्टेंस अब आयनिक सॉलिड है, अगर वो सॉलिड में है तो कंडक्ट नहीं करेगा। जैसे NaCl है, NaCl है, अगर ये सॉलिड है तो ये कंडक्ट नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि इसके पास चार्ज कैरियर नहीं है। क्या नहीं है? चार्ज कैरियर नहीं है, ठीक। लेकिन अगर यही NaCl क्या हो, मोल्टन स्टेट में हो, मोल्टन हो, यानी क्या हो, उसके पास चार्ज कैरियर है, यानी अगर इलेक्ट्रिसिटी इससे पास करनी चाहिए, कंडक्शन होना चाहा, तो क्या होगा, ये आयन एनायंस है, ठीक। तो क्या होगा, ये कंडक्टेंस शो करेगा मेटेलिक सॉलिड में, यहां पे हमें दिख रहे हैं, तो क्या करेगा, यहां पे क्या होगा, कंडक्टेंस हाई होगा, यहां पे भी हाई होगा, यहां पे लो होगा। लो का मतलब क्या होगा ही नहीं, समझिए तरह से। लेकिन लेकिन यहां पे एक एक्सेप्शन आता है, ग्रेफाइट का एक्सेप्शन। क्यों? अब जरा कार्बन का अगर हम स्ट्रक्चर देखें तो कार्बन क्या होता है, एक कार्बन चार और कार्बन से जुड़ा होता है। यानी एक भी बॉन्ड खाली है क्या, एक भी इलेक्ट्रॉन्स खाली है क्या, नहीं खाली है। तो यहां पे डायमंड कंडक्टेंस नहीं देगा, लेकिन अगर वही ग्रेफाइट का बनाए, अगर वही ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर बनाए, ये एक्सेप्शन है कोवेलेंस के लिए, कोवेलेंट सॉलिड के लिए एक्सेप्शन है ग्रेफाइट। अगर देखा जाए तो यहां पे देखिए कार्बन की, एक कार्बन कितने बॉन्ड है, एक दो तीन, और होनी कितनी चाहिए, चार। तो यानी कहीं एक इसका इलेक्ट्रॉन कहीं खाली बचा हुआ है, कहीं घूम रहा होगा। वही इलेक्ट्रॉन क्या शो करेगा, कंडक्टेंस शो करेगा, क्या शो करेगा, कंडक्टेंस शो करेगा, ठीक। तो ग्रेफाइट इसका एक्सेप्शन होगा केवल, ठीक। मॉलिक्यूलर में लो होगा, ठीक। तो आप इसको नोट कर लीजिए, ये था इस चैप्टर का बेसिक पार्ट, जो हमें थ्योरेटिकल पार्ट पढ़ना था। अब नेक्स्ट लेक्चर में मैं इसके बारे में बताऊंगा, क्रिस्टलाइन सॉलिड की प्रॉपर्टीज बताऊंगा कि क्यों होता है, कैसे होते हैं, इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, सेल क्या होते हैं, और जो भी इसके बारे में होगा। तो आज की क्लास यही खत्म होती है।